Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। इस बार योगी और अखिलेश के अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी लोगों की नज़र है। वर्तमान में वे यूपी के जहूराबाद विधानसभा सीट के विधायक हैं। देखा जाए तो जहूराबाद एक चर्चित सीट है। कहा जाता है कि पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटों में एक सीट जहूराबाद है। इस सीट पर यह सीट इसलिए मायने रखती है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर फिर से अपनी किस्मत अजमा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहां 3,75,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। यह क्षेत्र दलित और राजभर बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा इस क्षेत्र में यादव मुस्लिम और राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। पहले विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को 86,583 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के कालीचरण को 68,502 वोट मिले थे। जीत का अंतर 18,081 वोट था। 2012 के चुनाव में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अब तक के विधायक 1980 और 85 में सुरेंद्र सिंह, 89 में वीरेंद्र सिंह, 91 में सुरेंद्र सिंह, 1993 में इश्तियाक अंसारी, 96 में भाजपा के गणेश राजभर विधायक निर्वाचित हुए थे। 2002 और 2007 में बसपा से कालीचरण राजभर को जनता ने विधायक चुना था। 2012 में सपा के सैयद सदाबा फातिमा इस क्षेत्र के विधायक निर्वाचित हुई थी। 2017 में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर यहाँ के विधायक चुने गए। कौन है ओपी राजभर? ओम प्रकाश राजभर का जन्म वाराणसी के फतेहपुर खोंदा सिंधौरा गांव में हुआ था। ओम प्रकाश के पिता एक खान कर्मी थे, वे कोयला खदान में काम करते थे। ओम प्रकाश राजभर कांशीराम से काफ़ी प्रभावित हैं। राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांशीराम के साथ ही की। पहला चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट से ही लड़ा था। बसपा छोड़ने के बाद वो अपना दल में चले गए। बाद में अपना दल से अलग होकर उन्होंने 27 अक्टूबर 2002 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की। 2017 में विधायक बनने से वो पहले 3 बार विधायक के बीच लड़ चुके थे, मगर उनको 2017 में सफलता मिली। 2019 में उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और भाजपा से गठबंधन भी तोड़ दी। वर्तमान में वो अखिलेश यादव की पार्टी से मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सबकी नज़रें जो है वो टिकी हुई है कि आखिरकार इस बार ओम प्रकाश राजभर जीत का परचम लहरा पाएंगे या फिर नहीं। ये देखना दिलचस्प होना है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.